आहार सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए काम नहीं आता है, बल्कि मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के लिए कुछ है। कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि हमें आहार पे क्यों ध्यान देना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पे क्यों ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा साइंस हमें बताता है कि हमें एक तो सिर्फ ग्रोथ सिर्फ माँ की ही नहीं बल्कि बच्चे का भी विकास ठीक से होना चाहिए। उसके अलावा जब लेबर होता है, जो कि प्रसव होता है, उसके दौरान एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि जो बच्चे की डिलीवरी हो सके वो सेफली हो सके, बच्चा हेल्दी पैदा हो। उसके बाद लेबर के बाद लैक्टेशन भी होती है, जो कि प्रसव के पश्चात दूध हमें उचित मात्रा में जिसमें पोषक तत्व प्राप्त हो, ताकि बच्चे का ग्रोथ सही से हो सके, उसके लिए भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक सेल से लेके बच्चा 3 किलो तक का बनता है 9 महीने के दौरान। एक सेल से, जो कि हमें आंखों से दिखता भी नहीं है, उतने छोटे सेल से ग्रोथ होके एक 3 किलो का पूरा हेल्दी बेबी बनता है। तो उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन, एनर्जी, हर चीज की जरूरत होती है। उसके अलावा जो माँ की बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होता है, वो 5 टाइम्स बड़ा होता है साइज में, वेट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, प्लेसेंटा को डेवलप होना होता है, जिसमें कि योग सैक होता है जो बच्चे को पूरा ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ताकि बाद में लैक्टेशन हो सके। तो इस सब के लिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। साथ में ही स्टार्टिंग के महीने में, जैसे हम जानते हैं, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना बहुत ही आम होता है, उसकी वजह से भी हमारी जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में। जितना खाया उतना लगता नहीं है, आधी बार उल्टी में निकल जाता है। तो उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं, अगर हम ध्यान ना दें अपनी न्यूट्रिशन पे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे बच्चे का डेवलपमेंट अगर पूरी तरह से नहीं होगा तो ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर की डेवलपमेंट हो सकती है, थायराइड ढंग से डेवलप नहीं होता है, न्यूरल ट्यूब डिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये तो सारी बच्चों की दिक्कत आ गई, अदरवाइज माँ को भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसकैरेज भी हो सकता है, स्टेरिलिटी आ सकती है, बीपी बढ़ जाएगा, ये सारी दिक्कतें न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होने की वजह से आ जाता है। अब इसके अलावा अगर आयरन की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगा माँ में, कैल्शियम की कमी रहती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, आयोडीन कम होगा, बच्चे की मेंटल ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी। कई बार होता है बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। तो इस सब चीजों के लिए हमें खास ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए ही डॉक्टर्स 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड, जिंक, ये सब खाने की सलाह देते हैं। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। और यही सब का पहले से ध्यान रखना प्रीकंसेप्शनल प्रिपरेशन कहा जाता है। इसी से इसको हम आध्यात्मिक भाषा में गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं, कि बच्चे के आने के पहले से ही तैयारी करना, ताकि उसका एनवायरमेंट माँ के शरीर के अंदर भी, माँ के शरीर के बाहर भी, दोनों ही स्वस्थ हो, जिससे वो अच्छे से डेवलप कर पाए। उसके बाद हम आते हैं कि आहार में हमें क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहला है, आहार संतुलित होना चाहिए, समय से होना चाहिए। जितना हमारी आवश्यकता है नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, उतना तो लेना ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पोषक तत्व भी हमें लेने पड़ते हैं इस समय पे। उसके अलावा खाना संतुलित ही नहीं, सात्विक भी होना चाहिए और संस्कारित भी होना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक जो हमारे लिए अच्छा हो हम वही खाएं, मितभुक जितनी हमें भूख है उससे थोड़ा कम। जैसे कि नॉर्मली आजकल ओवर ईटिंग हो जाता है, इमोशनल ईटिंग होता है, कोई चीज टेस्टी लग रही है तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया, वो चीज नहीं करनी है, वो भी हमारे डाइजेशन पे अफेक्ट करती है। उसके अलावा ऋतभुक, जो चीज सीजनल है वो ही खाएं, जो चीज सीजनल नहीं है, जो या जो आपके एरिया में नहीं है, वो उतना पोषक आपके लिए नहीं। जो सीजन के अलावा भी हम आर्टिफिशियल मेथड से बना लेते हैं, आजकल सब सारी सब्जियां हर सीजन में अवेलेबल होती हैं, बट वो उतनी हेल्थी नहीं होती है आपके लिए, उसके अंदर उतने पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि आहार संतुलित हो, जिससे उचित मात्रा में हमें सारे पोषक तत्व मिले,
इक्वल सही मात्रा में हो, सही परिमाण में हो, ये नहीं कि प्रोटीन बहुत ज्यादा ले लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लिए, या कार्बोहाइड्रेट्स ही लिए जा रहे हैं, विटामिन्स पे ध्यान ही नहीं दिया। सारी चीजें मिक्स इक्वल अनुपात में होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं संतुलित आहार हम किसे कहेंगे। मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे न्यूट्रिशन के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और कुछ मात्रा में चाहिए होता है विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इसमें हम रेशियो समझ सकते हैं। हमारी बॉडी को चार भाग में प्रोटीन चाहिए होता है, चार भाग में कार्बोहाइड्रेट, एक भाग में फैट, और विटामिन और ये जो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बहुत ही कंट्रोल मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा हमें पानी 10 से 12 ग्लास, जो कि 2 से 3 लीटर कम से कम दिन में लेना चाहिए। पानी की कमी से भी कई दिक्कतें आती हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन किस किस काम आता है? हमारी स्किन को डेवलप करता है, हमारे ब्लड को अच्छे से रखता है, हमारी मसल्स और हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। अगर प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, ना ही मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, ना ही बोन्स और ना ही स्किन। हमें प्रोटीन किस किस चीज से मिल सकता है? दूध से, दही से, टोफू से, सारी प्रकार की दालें हम ले सकते हैं, ठीक है। 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, सारे ही दाल में प्रेजेंट होते हैं, तो दाल लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके अलावा हम मिक्स आटे का उपयोग कर सकते हैं, केवल गेहूं का ना करके, ठीक है। मिक्स आटा हम कैसे बना सकते हैं? हम 7 किलो गेहूं लेंगे, 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन, इसको धोकर, सुखाकर, भुनकर हम पीस सकते हैं। इसके अलावा हम 1 किलो जौ का आटा मिला सकते हैं। अगर जौ अवेलेबल ना हो तो आप 2 किलो सोयाबीन का आटा उसमें मिला सकते हैं, और ये इससे हमें हमारा तैयार हो जाएगा मिक्स आटा, जो नॉर्मल गेहूं आटे से कई ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए रहेगा, क्योंकि हमें एक होल न्यूट्रिशन मिल रहा है उसमें, हमें कई सारी चीजें मिला के मिल रही है उसमें। नेक्स्ट हम आते हैं, हम टोफू कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें 125 ग्राम सोयाबीन भिगोना है, उसको फिर 6 से 7 घंटे बाद धो लें आप, उसका छिलका निकालें, उसे पीस लें, फिर उसे 1 लीटर उबलते हुए पानी में उसका पेस्ट बना लें। उसके बाद लगभग 5 मिनट तक हम उसे चलाते रहना है धीमी आंच पे, ताकि वो तले में लगे नहीं। उबाल आने पर हम उसको छान लेंगे। उसके बाद जो हमारा सोयाबीन का दूध बनता है, उसको हम नींबू या दही डालकर फाड़ लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली अपना पनीर बनाते हैं नॉर्मल दूध से। उसके बाद उसको छानकर पनीर अलग कर लेंगे। जो पनीर बना है उसका हमारा वो टोफू है। उसके अलावा जो हमारा पेस्ट बचता है, हम उसको आटे में गूंद के उसकी रोटी या पराठा भी बना सकते हैं, तो उससे कोई भी न्यूट्रिशन आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको 2 वेराइटी भी मिल जा रही है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे। ये भी हमें 4 अनुपात में चाहिए होता है। ये हमारा एनर्जी का मेन सोर्स रहता है, खाने में सबसे मैक्सिमम जो क्वांटिटी हम जिस चीज के लेते हैं वो यही रहता है। ये हमें किस में मिलता है? हमें चावल में मिलता है, आलू में मिलता है, मिक्स अनाज में, शकरकंदी में। अब हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यह नॉर्मल चावल की बात नहीं हो रही है, यहाँ अनपॉलिश चावल की बात हो रही है। जहाँ पे चावल पॉलिश होता है वहीं पे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, तो हमें अनपॉलिश चावल, जो कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल है, वो यूज करना है। नेक्स्ट हमारा आता है वसा, यानी कि फैट। ये हमें 1 अनुपात में लेना होता है। इसमें ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक 5 टीस्पून, उससे ज्यादा नहीं। कई लोग होते हैं कि घी भर भर के खिला रहे हैं कि नहीं भाई, गर्भवती माँ के लिए बहुत अच्छा है, उसको सारी चीजें घी डाल के दी जाए, लड्डू बना दिए जाए, ये कर दिया जाए, तो हमें ध्यान रखना है हमें जरूरत से ज्यादा फैट नहीं लेना है, ये भी वरना नुकसान करेगा। कोई भी चीज जो भी हमारे लिए फायदेमंद है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही फायदेमंद है, तो इसलिए ध्यान रखें दिन में 5 छोटी चम्मच से ज्यादा घी या तेल यूज नहीं करना है। अब इसमें भी हमारे पास कई सारी वैरायटीज आती हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता है हमारे लिए क्या फायदेमंद है क्या नहीं। हम कुछ भी, जो भी हमें मिलता है मार्केट में, या जो भी हमें सस्ता मिलता है या ज्यादा मात्रा में मिलता है, हम वो चीज ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें ध्यान रखना है, जो फैट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जम जाता है, लाइक ठंडा मौसम अगर वो होगा तो वो लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, इसका हमें जितना हो सके हमें इसको अवॉइड करना है। उसके बाद आते हैं वो फैट जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, जो नहीं जमते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, ये हम ले सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें
एवरेज जो ठीक ठाक है हमारे लिए वो है रिफाइंड ऑयल, जो कि बिना केमिकल वाला है, वो वाला हम यूज कर सकते हैं। वो एक एवरेज कैटेगरी में आता है, वो ना ही बहुत फायदेमंद है ना ही नुकसानदेह है, लेकिन हमें वो चीजें लेनी है जो हमारे लिए फायदा करती हैं। जैसे कि देसी गाय का घी बहुत अच्छा है हमारे लिए, सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल। ध्यान रखिए ये सब फिल्टर्ड वाले हों लेकिन केमिकल ट्रीटेड ना हो, ये हम सबके लिए अच्छे हैं। एक चीज जिससे हमें बच के रहना है वो है ट्रांस फैटी एसिड्स, जो कि उबला हुआ तेल होता है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है ये। अगर आप पैकेज चीजें लेते हैं जैसे कि नमकीन चिप्स, इसमें भी ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत हाई मात्रा में होते हैं, ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। इसके अलावा जैसे हमने देखा होगा आमतौर पर हलवाई के पास कढ़ाई हमेशा चढ़ी रहती है, समोसे उसी में तले जा रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ और तल दिया है, ये जो तेल होता है जो बार बार उबाला गया है, इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत ही हाई मात्रा में होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए कोशिश करें बाहर का कुछ भी तला भुना नहीं लेना है, पैकेज फूड नहीं लेना है, घर में लिए देसी गाय का घी यूज करें, सरसों तेल यूज करें छोक में, लेकिन बाहर का तेल नहीं। उसके बाद हम आते हैं जो कि हमें कंट्रोल मात्रा में चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सब हमारा शरीर बनाने में नहीं बल्कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, तो जरूरी ये भी है कंट्रोल मात्रा में। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है हमारा अंकुरित, अगर हम लेना चाहें तो, जिसमें कि 10 ग्राम हम मूंगफली लेंगे, 15 ग्राम चना, 25 ग्राम मूंग दाल, इसको हम भिगो के रख देंगे ओवरनाइट। भिगोने के बाद इसको कोई भी एक आप पतले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध के रख सकते हैं, या फिर इसको कटोरी में अच्छे से ढक के रख दे। 10-12 घंटे बाद इसमें अपने आप अंकुरित फूटने लगता है, आप देखेंगे वो जर्मिनेट करने लग गया है। जो ये अंकुरित बनता है ये नॉर्मल खाने से सैकड़ों गुना इसमें विटामिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक पौधा जर्मिनेट कर रहा है, उसमें जितनी एनर्जी होती है वो उस पौधे को उगाने में लगा रहा है, तो इसीलिए उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो मैक्सिमम उस पॉइंट पर डेवलप हो चुकी है। अगर हम उस स्टेट में उसको खाते हैं तो हमें उतना ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। इसमें एक तो एंजाइम्स पैदा होने लगते हैं क्योंकि वो खुद के पौधे को जर्मिनेट कर रहा है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन को अच्छा करेगा, एनीमिया को दूर करेगा, बालों को झड़ना अक्सर होता है प्रेगनेंसी में उसको ठीक करेगा, हमारे आंखों को स्ट्रांग करता है, आईसाइट हमारी स्ट्रांग रहती है, दिल के लिए लाभदायक है, हमारा बीपी तेज नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाते हैं, इससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स निकलेंगे, तो ऑल ओवर ये आपको बहुत फायदा करता है। अब कुछ लोगों को होता है कि नहीं कच्चा कैसे खाएं, तो इसको आप हल्की भाप में पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कच्चा चलेंगे तो हल्की भाप में पका लें, उसमें हल्का नमक वगैरह डाल के उसको फिर खा सकते हैं। इसके अलावा हमने ध्यान रखना है कि हम रेनबो डाइट लें, जिसको हम ORS भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, आर्टिफिशियल चीजें नहीं खानी है जो हमारे क्षेत्र में नहीं है। हम कई सारी चीजें होती हैं जो फल है इम्पोर्ट करके मंगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेड है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वो उस रीजन के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन हमारे रीजन में वो नहीं है तो हमारे सीजन के अकॉर्डिंग वो शायद उतना फायदेमंद ना हो। उसके अलावा सीजनल फल खाएं, जो जिस सीजन का है उसमें खाएं, उसमें ज्यादा फायदेमंद रहता है। आर्टिफिशियल तरीके से पकाया हुआ जो कि उस सीजन का नहीं है वो उतना फायदेमंद नहीं होता है। अगर हम ये डाइट फॉलो करते हैं तो हमारे सारे विटामिन मिनरल्स की भी पूर्ति होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें अतिरिक्त पोषण की क्यों आवश्यकता है, नॉर्मल डाइट से एक्स्ट्रा हम क्यों खाएं, नॉर्मल डाइट भी तो उतना ही देती है, नॉर्मली तो हम पूरे जीवन में उतना ही खाना खाते हैं, बट नहीं, जब प्रेग्नेंट है एक महिला तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि जो गर्भवती माँ है उसकी अपनी पसंद होती है, अपना लाइफस्टाइल है, हर चीज खाना पसंद नहीं करते हैं, हर मात्रा में खाना पसंद नहीं करते हैं। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी की इंक्रीज होती है, तो जो जो रिक्वायरमेंट इंक्रीज है उसी को तो हम पूरा करेंगे। अगर हमारे विटामिन्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई है, जैसे कहते हैं फॉलिक एसिड की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाने लग जाएं, उससे तो हमारी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज की एक्स्ट्रा हमें जरूरत है वो चीज हम लेंगे। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो हम खाना पकाते हैं, पकाने के प्रोसेस में भी उसकी कई सारी चीजें, कई न्यूट्रिएंट्स उसके नष्ट हो जाते हैं,
तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो खाने में अगर हमारा निकल गया है, वेस्ट हो गया है, नष्ट हो गया है, तो वो चीज़ तो हमारे शरीर में तभी कमी रहेगी, तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है, जैसे कि जो माँ होती है उसको, जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने में हमने पहले भी मेंशन किया, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, तो अक्सर उल्टी वगैरह होना, जी मिचलाना, कुछ चीज़ें होती है, खाने का मन नहीं करता है, उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स हमें उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें अलग से देना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं आपको, या फिर न्यूट्रिशन में आपको डाइट प्लान प्रॉपर देते हैं कि आप ये चीज़ें लीजिए, ये चीज़ें नहीं लीजिए, डिपेंडिंग कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ये भी रीज़न है कि मोस्टली हम वेजिटेरियन डाइट ही सजेस्ट करते हैं और मोस्ट लोग वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं, लेकिन उसमें विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन उतना नहीं प्रेजेंट होता है वेजिटेरियन फूड में, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा, हमें एक्स्ट्रा या तो सप्लीमेंट्स या खाने में ही ऐसे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि वो चीज़ें हमारी बॉडी की कंप्लीट हो, ठीक है। उसके अलावा जैसे मॉर्निंग सिकनेस का हमने पहले ही बताया, जब डाइजेशन हमारा वीक है तो हम इवन अगर उतना एक्स्ट्रा खा भी रहे हैं तो हो सकता है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी कई बार होता है कि हम इंजेक्शन देते हैं या जो IV जो बोतल चढ़ाना बोलते हैं वो देते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहे आप खाने से ले रहे हैं चाहे सप्लीमेंट से ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं आपके शरीर में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जाना चाहिए, अगर डाइट के थ्रू है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को डाइजेशन का इतना प्रॉब्लम होता है तो उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसके अलावा कई माओं में देखा जाता है पिका की दिक्कत आती है, जिसमें कि मिट्टी खाने का मन करेगा या स्टार्च खाने का मन करेगा, तो उसकी वजह से भी हमारे खून में कमी आती है, एनीमिया हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसलिए भी हमें डाइट पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। दूसरा एक चीज़ जो कई लोगों में आजकल देखी जा रही है, आजकल ट्रेंड चला है वीगन का, कि एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, दूध भी नहीं लेंगे, जो कि अपनी मान्यता किसी की इतनी स्ट्रांग है तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर वैसे देखा जाए तो बछड़े को दूध पिलाने के बाद भी गाय के पास पर्याप्त अतिरिक्त दूध होता है कि हम लोग उनसे वो ले सके, और उसमें कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ही उचित मात्रा में हमें वो प्राप्त होती है, तो अगर ले पाए तो दूध अवश्य पीना चाहिए। वीगन डाइट की वजह से कई लोगों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आ रही है, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स का चलन और बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें जो एक्स्ट्रा पोषण हम ले रहे हैं या जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्रोथ होती है उसके 4 मेन स्तंभ होते हैं या 4 पिलर्स होते हैं। एक तो हमारा, हमें ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ अच्छे से हो, दूसरा ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते ताकि बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा हो, ये दोनों अच्छे होंगे, उसके बाद हमें अच्छा इम्यूनिटी पावर भी चाहिए ताकि बच्चा बीमार ना पड़े बार बार। उसके अलावा आता है डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद उसका पूरा शरीर का जो चलना है सिस्टम वो कैसे चलना है, डाइजेस्टिव से उसका सारा एब्जॉर्प्शन वहीं से होगा। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं इनका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस किस महीने में क्या क्या खाना चाहिए, आगे हम वो समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रथम तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि पहले के 3 महीने होते हैं, ये हमारे ब्रेन न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे हमारा ब्रेन डेवलपमेंट मेन हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो इसमें मस्तिष्क के विकास के लिए हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तो चाहिए ही, इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा चाहिए, फर्स्ट होता है हमारा DHA जो कि एनर्जी में बहुत ही भरपूर होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बादाम खाने चाहिए, अखरोट, अलसी, टोफू, ये हमारा DHA रिच होता है, ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखता है कि बच्चे की मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो। उसके अलावा आता है कोलीन, ये हमें मूंगफली में मिल जाता है, दूध या दूध से बनी चीज़ों में हो जाता है, जैसे घर का जो सफ़ेद मक्खन होता है, बाजार वाला मक्खन नहीं, जो घर में हम मक्खन बनाते हैं वो। उसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें दूध में, ओट्स में, केला, बीन्स, नमक में, आजकल स्पेशली आयोडीन युक्त नमक भी आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पालक, दूध, दही, छिलके वाले आलू में, कई लोग होते हैं छिलका छील के उसके बाद आलू पकाते हैं, आप अच्छे से अगर आलू को धो लेते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह नहीं है, अगर आपने ऑर्गेनिक आलू लिया है तो आप उसको छिलके के साथ पकाएं, उसमें आयोडीन की मात्रा होती है,
ठीक है। उसके अलावा हमें फॉलिक एसिड उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें हरी सब्जियों से, छोलों से, दाल से, बीन्स से मिल जाता है। अगर फॉलिक एसिड की हमें कमी होती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए ही स्टार्टिंग के मंथ्स में अलग से सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं आयरन और फॉलिक एसिड के, ताकि बच्चे को ये दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं जिंक। जिंक हमें हरी सब्जियों से मिल जाता है, छोलों से मिल जाता है, दाल, बीन्स। विटामिन B12 हमें सोया के दूध से मिल जाता है, दूध दही हम जो नॉर्मली लेते ही हैं उसमें हमें विटामिन B12 मिल जाता है। उसके अलावा आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये हमें हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है, अखरोट से, ठीक है, अलसी से, राजमा, दाल, सरसों तेल, राइस ब्रान तेल, ये सब उपयुक्त रहता है। उसके अलावा जैसे कि हमने नोटिस किया कि फर्स्ट 3 मंथ्स में नौजिया रहता है, जी मिचलाना होता है, उल्टी जैसा होता है, तो इसके लिए हम अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और ये नौजिया को भी रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारी फिजिकल ग्रोथ पे मेन फोकस होता है, हमारी बोन्स डेवलप होती है, मसल्स डेवलप होती हैं, तो इसके लिए फिर वही बात आती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तो हमें हमेशा चाहिए ही। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 4th, 5th और 6th महीने में हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमें दिन में कम से कम 1200 मिलीग्राम डेली कैल्शियम इनटेक चाहिए होता है, जो कि हमें दूध से मिल सकता है, दूध से बनी चीज़ों में मिल सकता है, दही, पनीर, उसके अलावा बादाम हम उसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम हम कितनी भी मात्रा में ले रहे हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विटामिन डी के बिना कैल्शियम हम कितना भी डाइट में ले एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैल्शियम से क्या क्या लाभ होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स डेवलप करने में हेल्प करेगा, बोन्स की कैल्सिफिकेशन होती है, दांत की कैल्सिफिकेशन होती है। अगर हम कैल्शियम सही मात्रा में लेते हैं तो बच्चे की बोन्स और टीथ स्ट्रांग होते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग से ही कई बार नोटिस किया जाता है बच्चे की बोन्स वीक हैं, छोटे बच्चों में हड्डियों में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होता है, बच्चे ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, आसानी से कीड़ा लग जाना, दांत टूट जाना, ठीक है। इसके अलावा जब स्तनपान होगा, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग होगी, लैक्टेशन के टाइम पे भी दूध में कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, तो उसके लिए भी कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी होगी तो दूध का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी होती है तो प्री एक्लेम्सी और एक्लेम्सिया का डाउट भी या रिस्क इंक्रीज होता है माँ में। जैसे अगर प्री एक्लेम्सिया स्टेट होती है, आपका BP हाई रहने लगता है, जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन जाने लगता है, जिसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, और इसकी वजह से बाद में माँ को एक्लेम्सिया यानी कि झटके आना, दौरे आना, ये दिक्कत भी हो जाती है। और अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर प्रेगनेंसी का आगे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है, ताकि तो कोई आगे कॉम्प्लिकेशन आए ही नहीं। उसके अलावा हमें कैल्शियम के अलावा हमें क्या चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में, हमें चाहिए आयरन। आयरन एनीमिया नहीं आने देगा, एनीमिया आएगा तो वीकनेस रहेगा ही रहेगा, और वीकनेस रहेगा तो बच्चे का ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आयरन के सोर्स हमारे अच्छे क्या क्या सकते हैं, गुड़ बहुत अच्छा सोर्स है, बाजरा, रागी, दाल, पालक, हरी पत्ते वाली सब्जियां। उसके अलावा खाना बनाते हो आप ध्यान रखें एल्यूमिनियम के बर्तन यूज ना करके अगर आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो उससे भी हमारे खाने में आयरन न्यूट्रिशन बढ़ता है, ठीक है। और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे शरीर में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो कई बार देखा जाता है कि माँ आयरन तो भरपूर रूप में ले रही है, आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रही है, फिर भी बॉडी में कमी है, तो इसलिए साथ में हम विटामिन सी सप्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में कम होगा तो आयरन हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितनी ही मात्रा में ले रहे हैं, वो ऐसे ही हमारा स्टूल के साथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आयरन हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हमारे ब्लड को संतुलित रखेगा। अब बच्चे का जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो माँ के खून से ही जाता है, अगर माँ का खून सही नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, प्रॉपर उसमें बैलेंस नहीं होगा, तो बच्चे को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। इसलिए बच्चे की हेल्थ के लिए माँ के ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा
लेबर के ड्यूरिंग भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए ताकि खून की कमी ना हो शरीर में, उसके लिए भी हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड लेवल प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके लिए आयरन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉलिक एसिड पे, जिसकी हमने पहले भी बात करी, यूरिन ट्यूब डिफेक्ट के लिए भी जिसकी जरूरत है ताकि वो हो ना, तो उसके लिए अच्छे सोर्स हमने पहले ही डिस्कस किया कि हरी पत्तेदार सब्जियां उसके लिए सफिशियंट है, अदरवाइज आपके डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नीशियम और विटामिन डी, जैसे कि हमने पहले बात करी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत है, अदरवाइज कैल्शियम हमारा प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम मशरूम, बादाम, दूध, दही, दूध से बनी चीजें, ये सब चीजें ले सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप, जो कि हम नॉर्मली सनस्क्रीन लगा के अवॉइड करते हैं। दिन में एक बार को ठीक भी अगर आप धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो धूप बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी के लिए। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप आप आधे घंटे तक की लेते हैं, 20 से 30 मिनट की अगर आप धूप ले रहे हैं, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। ये गर्भवती माओं के लिए भी है, बाकी लोगों के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं, घर में बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सभी को सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए, उससे विटामिन डी की कमी आप में नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नीशियम, हमें बादाम में मिल जाता है, अलसी, भिंडी, उसके अलावा जैसे आजकल आप देख रहे होंगे सीड्स का चलन काफी चल रहा है, यानी कि बीज, हम कद्दू के बीज ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, तरबूज के बीज, ये सब मैग्नीशियम में भरपूर होते हैं, ये आपको बहुत फायदा देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा पूरा होल डेवलपमेंट के लिए है, साथ में हमारा इम्यूनिटी के लिए है, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा है, आपका फिजिकल ग्रोथ आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में फोकस हो चुका है, ब्रेन डेवलपमेंट आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेन फोकस हो चुका है, तो फाइनल 3 महीनों में ऑल ओवर ग्रोथ होती है बेबी की, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है जो बाकी चीजें हम ले रहे थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो तो वैसे ही रहेंगे, वो प्रॉपर मात्रा में हमें लेने ही है। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है पानी का, फाइबर का, थायमिन का, थायमिन यानी कि विटामिन B1, ठीक है। तो सबसे पहले फाइबर दो टाइप के होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। जो फाइबर होता है ये हमारा डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं होता है, यही होता है जो हमारी स्टूल की मेन मात्रा बनाता है। अब ये जितना हम फाइबर रिच डाइट लेते हैं उतना ही वो हेल्पफुल होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, लेकिन अगर हम फाइबर कम लेते हैं तो अक्सर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नोटिस की जाती है, इसीलिए हमें इनसॉल्युबल फाइबर लेना है, कॉन्स्टिपेशन कम करता है। उसके अलावा जो सॉल्युबल फाइबर्स है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, हमारा ब्लड शुगर डिक्रीज करते हैं और एक हेल्दी एनवायरमेंट डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं। तो हमें फाइबर किन चीजों से मिल सकता है, चोकर युक्त आटा, आटा जिसमें चोकर भी हो, पतला पिसा आटा नहीं, जैसे बाजार में कई चल रहे हैं कि मैदा आटा इतना पतला पीसते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप मैदा खा रहे हो, उस चीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे मोटे पीसे आटे की बात हो रही है जिसमें चोकर भी हो। तो अगर आप वो वाला आटा लेंगे तो आपको फाइबर की अपने आप ही रिक्वायरमेंट जो है वो कम्प्लीट हो जाती है। उसके अलावा बिना पॉलिश किया हुआ चावल, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, सूजी, फल, अब इसमें फल में ध्यान रखिए कई लोग होते हैं कि जूस पी लेंगे, जूस में फाइबर्स नहीं होते हैं, जूस में उसका सारा लिक्विड कॉन्सेंट्रेट निकाल दिया है, फाइबर सारा वेस्ट हो जाता है, तो हमें जूस नहीं लेना है, हमें पूरा फल खाना है, तो उससे आपको न्यूट्रिशन भी उतना ही मिलेगा, साथ में आपको फाइबर्स की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है। उसके अलावा लौकी, तोरी, फ्रांस बीन्स, ये सब भी आप ले सकते हैं फाइबर के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं थायमिन यानी कि विटामिन B1, ये हमारे जो हम फूड लेते हैं उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है, उसके लिए हमें विटामिन B1 की जरूरत होती है। ये हमें मिल सकता है सनफ्लावर के सीड से, सूरजमुखी के बीज, काली उड़द दाल, उसके अलावा राजमा, सोयाबीन, ये सब चीजें हम ले सकते हैं थायमिन यानी कि विटामिन B1 की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं पूरे 9 महीने हमें इस चीज के लिए ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी, हमें पूरे 9 महीने उसको डेवलप करने के लिए डाइट लेना पड़ता है। इम्यूनिटी के लिए 3 मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। जो हमारी हमने बात करी कि लिमिटेड मात्रा में हमें विटामिन चाहिए होते हैं, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी हमें मिल सकता है जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, इन सबसे हमारे विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। विटामिन ई के लिए आप मूंगफली ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। विटामिन ए जो कि हमारी नजरों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है,
ये हमारी इम्यूनिटी को भी फायदा देता है। तो इसके लिए हम गाजर ले सकते हैं, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, दूध और सारे कलरफुल फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स में विटामिन सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमें पूरे 9 महीने एक और जो चीज है जो हमारा फाइनल पिलर आता है जिसका ध्यान रखना है, वो है अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए। इसके लिए फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स बहुत जरूरी होते हैं, जो कि हमें केले में, गेहूं में, जौ, दही, मट्ठा, इन सब में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल डाइट है, ये नॉर्मली हम खाते ही हैं, लेकिन इसे सही मात्रा में खाना जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं कि माँ की थाली में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने जो अभी तक पहले डिस्कस किया है वही हम डिस्कस यहीं पे एक तरह से कंक्लूजन होगा कि हमें कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि हमें साबुत अनाज और स्टार्च वाली सब्जियां 300 से 400 ग्राम अनाज तक हमें लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो चीज हमने पहले भी बात करी कि चोकर वाले आटे की रोटी बनाई जाए, ठीक है। उसके अलावा बिना पॉलिश किया वाला चावल यानी कि ब्राउन राइस वो यूज किया जाए, ओट्स लिया जाए, ठीक है, शकरकंदी, ये सारी चीजें हमें लेनी है। हमें अवॉइड क्या करना है, हमें तला हुआ आलू अवॉइड करना है, हमें सफेद चावल जो कि पॉलिश्ड राइस है वो हमें अवॉइड करना है, ये सब नुकसान देता है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं सब्जी, दिन में 3 से 4 कटोरी सब्जी कम से कम खानी चाहिए, जो कि 300 से 400 ग्राम हो गई। इसमें अधिक से अधिक कोशिश करनी है स्टार्च रहित सब्जी हो, हरी सब्जियां हो, पत्तेदार सब्जियां हो, ब्रोकली, गाजर, पत्ता गोभी, ये चीजें हम ले, ठीक है। उसके बाद आते हैं फल। फल दिन में कम से कम 2 कटोरी माँ को अवश्य लेना है। इसमें अलग अलग प्रकार के फल लें, एक ही नहीं, के अक्सर होता है कि एक ही चीज खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इसमें वैरायटी रखें। जो भी मौसमी फल है मौसम के अनुसार थोड़ा बदल बदल के अलग अलग फल लेते रहें। इसमें ध्यान रखें जूस नहीं लेना है, सूखे फल नहीं लेना है, क्योंकि हमें फाइबर भी चाहिए न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूध और दूध से बनी चीजें। तो आप दिन में 3 से 4 ग्लास दूध 300 ml तक ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखें बिना फैट वाला दूध ले, ठीक है। उसके अलावा आप दही ले सकते हैं, चीज, पनीर और टोफू ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन दिन में कम से कम 1 कटोरी प्रतिदिन हमारे डाइट में होना चाहिए, जिसमें हम फलियां ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, दाल, राजमा, मसूर, टोफू, ये सब ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें प्रोटीन के लिए कई लोग एडवर्टाइज करते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन हमारी डाइट है वो प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी है, प्रोटीन रिच है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जितना हो सके नॉन वेज से बचना है, मांस आदि हमें नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है मीठा, चीनी या देसी खांड। तो इसमें हमें ध्यान रखना है चीनी अवॉइड करके हम देसी खांड यूज करें। चीनी हमारे लिए नुकसानदेह होती है, जितना हो सके चीनी से बने जो आजकल बाजार में जूसेस, शरबत अवेलेबल है वो हमें अवॉइड करनी है। उसमें बहुत हाई मात्रा में चीनी अवेलेबल होती है जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। उसके जगह हम ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी ज्यादा पिए, और अगर मीठा किसी चीज में डालना है तो देसी खांड यूज करें चीनी के जगह। नेक्स्ट हमारा आता है घी या तेल, जो कि हमने पहले भी बात करी कि दिन में 5 छोटी चम्मच से ज्यादा हमें घी या तेल नहीं यूज करना है। नेक्स्ट आता है पानी। पानी ऑब्वियसली बात है हम डाइट में, कई लोग होते हैं उसको अवॉइड कर देते हैं, डाइट में पानी नहीं आता है, बट पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले पानी को ज्यादा जरूरत होता है प्रेग्नेंट महिला को। तो ध्यान रखना है, एक तो प्रातः उठते ही जैसे उषा पान करते हैं, दिन में सुबह उठते ही कम से कम 3 ग्लास पानी आपको पीना है। उसके अलावा दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी एक माँ को लेना चाहिए ताकि स्वस्थ शिशु पैदा हो सके। अब हमें पानी की ज्यादा जरूरत क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हमने नोटिस किया होगा हमारे मुंह से सलाइवा सिक्रीट होता है, जिसको लार या थूक भी कहते हैं। जो डाइजेशन हमारा प्रोसेस रहता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा सलाइवा प्रॉपर सिक्रीट हो रहा है तो हमारा खाना अच्छे से लुब्रिकेटेड होता है, हम अच्छे से उसको निगल पाते हैं, खा पाते हैं, हमें निगलने में दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जब मुंह से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया है तो जब तक हमारा पेट तक वो चीज जाती है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप से ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं और हमारा डाइजेशन प्रोसेस और ईजी हो जाता है। तो इसलिए हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे तो। उसके अलावा हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व जा रहे हैं, खाना तो हमारे पेट में जा रहा है, वो पूरे शरीर में फैलता कैसे है, पूरे शरीर में एनर्जी कैसे जाती है, वो जाती है लिक्विड फॉर्म में, हमारे खून में मिलके।
और उसके लिए भी हमें लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, और वो लिक्विड कहाँ से आता है, सारा पानी से। तो इसीलिए हमें पानी की आवश्यकता है ताकि जितने भी न्यूट्रिशन है हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट कर पाए। एब्जॉर्प्शन पानी के थ्रू ही होता है, इसलिए भी पानी की आवश्यकता है। उसके अलावा हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, चाहे वो स्टूल है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो स्वेट है, तीनों में ही पानी की आवश्यकता होती है। यही हमारी बॉडी को टॉक्सिन से हेल्प करता है ताकि उसे छुटकारा मिल सके। अगर पानी कम होगा, स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होगी, यूरिन कम होगा हमारा, तो अपने आप टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बिल्डअप होते हैं और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसलिए पानी ज़्यादा पीना है। अगर हम पानी ज़्यादा पियेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पसीना प्रॉपर आएगा, यूरिन प्रॉपर क्वांटिटी में आएगा, जिससे हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है। इसके अलावा हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, जो तापमान सामान्य बना रहे, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो बच्चा होता है बच्चेदानी में, प्लेसेंटा के अंदर, आपने शायद सुना होगा पानी के अंदर होता है बच्चा, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अगर वो पानी की मात्रा कम हो तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए उस एमनियोटिक फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी कम लेंगे तो बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। पानी को हम ज़्यादा ऊर्जावान कैसे बना सकते हैं ताकि पानी से हमें मैक्सिमम फ़ायदा मिले। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ग्लास उठाया और पानी पी गए, खड़े खड़े पी गए, फटाफट फुल स्पीड में, कहीं और कुछ और काम है। कभी भी हम ये ध्यान नहीं देते कि पानी हमें आराम से पीना है और उससे मैक्सिमम एनर्जी कैसे मिले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम पानी को ऊर्जावान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कभी भी जब भी आपको पानी पीना हो, ग्लास में आप पानी भरिए, ग्लास को अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए, आंखें बंद कीजिए और कोई मंत्र जिसमें आप विश्वास करते हैं वो आप बोल सकते हैं मन में, या फिर कोई भी प्रार्थना भाव से आप कोई भी चीज़ जो आप अंदर बोलना चाहें, जो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हो, जो भी आपको अच्छा फील कराती हो, वो चीज़ बोलें। तो इससे हमारा जो पानी है वो एनर्जाइज होता है और वही पानी हमें कई गुना ज़्यादा फायदा देगा। इसको हम बोल सकते हैं कि पानी हमारा अमृत तुल्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें ध्यान रखना है, पानी कभी भी खड़े होके जल्दबाजी में नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठ के पिए, एक एक घूट करके आराम से पिए, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते भी हैं कि पानी को खाना चाहिए, उसका मतलब ये है कि फटाफट गटकना नहीं है, एक एक घूट आराम आराम से आपको लेना है। उसके अलावा ध्यान रखना है भोजन करते समय, जब आप खाना खा रहे हैं तब अगर जरूरत हो तो ही पानी लें, अदरवाइज खाने के साथ आपको पानी नहीं लेना है। या तो खाने से आप एक घंटा पहले या फिर खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी लें, अदरवाइज ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए हमें नहीं चाहिए खाना, हमें इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी खाना चाहिए होता है। तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट कैसे अफेक्ट होता है खाने से, हम वो चीज़ समझेंगे। जैसे कि आपने आज तक भी सुना होगा, जैसा खाएंगे अन वैसा ही होगा मन, तो वो चीज़ फैक्ट है। हमारी एनर्जी, हमारा खाना, हर चीज़ अफेक्ट करती है कि कैसे वो हमारे शरीर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही असर बच्चे पे भी आता है, इसलिए हमें समझना होगा खाना भी, जो हमारे वेदों में बताया गया, खाने के भी तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसको हम इस तरह के समझ सकते हैं कि तीन प्रकार के खाने होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हम समझेंगे सबसे पहले सात्विक भोजन क्या होता है। तो गीता में बताया गया है कि सात्विक भोजन वो होता है जो कि रसमय हो, स्निग्ध हो, स्वास्थ्यप्रद हो तथा हृदय को भाने वाला हो, ठीक है। इसमें मोस्टली हमारा वेजिटेरियन डाइट ही है, जिसमें कि दाल, गेहूँ, चावल, अनाज, दलिया, ठीक है, ऋतु के फल, रागी, अंकुरित, मेवा, दूध, दही, लस्सी, सब्जियां, शहद, मक्खन, मलाई, ठीक है, ये वाला खाना होता है जो कि ताज़ा हो, जल्दी पचने वाला हो और सादा हो, जिसमें कम मसाले हो, कम तेल हो, तला भुना मसाले वाला जंक फूड नहीं, ठीक है। अभी हमें क्या फ़ायदा देता है, ये हमारे इमोशनली भी अफेक्ट करता है, विनम्र बनाएगा, क्षमाशील बनाएगा, हमारे में पेशेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, शांत मन होगा, स्थिरता आएगी, एकाग्रता होगी। ये हमारे शरीर में पित्त शांत करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, ठीक है। इससे आयु, एज, आपकी बल, बुद्धि, ये सब बढ़ता है, आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यानी तृप्ति महसूस करेंगे,
इसलिए ध्यान रखें कि माँ जब भी खाना खाए तो अपने मन, विचार, भावनाओं एवं संकल्पों को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाकर तभी सात्विक भोजन ले, तभी वो एक महान संतान को जन्म दे सकती है। एक हार्वर्ड की हमारी डॉक्टर एवा सेल्हब है, उन्होंने इसको मूड फूड भी कहा है, क्योंकि ये हमारे मूड को बेटर करता है। कैसे बेटर करता है? हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, जो कि फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो ये सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो हमारे पूरी बॉडी को अच्छा फील कराता है, हमारे ब्रेन को अच्छा फील कराता है, हमें हेल्दी रखता है। जैसे कि हम जानते हैं छांदोग्य उपनिषद में भी ये चीज मेंशन की गई है कि शुद्ध भोजन करने से सत्व यानी कि अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निश्चल बन जाती है, फिर निर्मल बुद्धि से मुक्ति भी सुगमता से प्राप्त होती है। ये छांदोग्य उपनिषद में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है राजसिक भोजन, इससे हमें बचना है। ये क्या है? अत्यधिक कड़वा, खट्टा, खारा, तेज गरम मसाले वाला, तला हुआ, कसैला, चिकनाई वाली चीजें एवं सभी प्रकार के पकवान, व्यंजन, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जो लाल मिर्च, काली मिर्च हम डालते हैं, मसालेदार चीजें होती हैं बाहर का जो भी खाते हैं वो फूड, उसके अलावा तेज नमक वाली चीजें, चॉकलेट, पान, ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ये राजसिक भोजन के अंडर आती है। ये क्या नुकसान पहुंचाती है हमें? इससे जलन बढ़ेगी, एसिडिटी आपकी बढ़ेगी, परेशान रहेंगे, चिंता बढ़ाता है, उत्तेजना बढ़ाता है, गुस्सा ज्यादा होने लगेगा, तनाव पैदा होगा। इस पदार्थ को ग्रहण करते समय तकलीफ, भविष्य में रोग अवश्य होगा, ये भी गीता में मेंशन किया गया है। इस सब में हमारा प्रोसेस्ड फैट आता है, प्रोसेस्ड शुगर आता है, जो कि हमारे पैकेज्ड फूड में होता है। ये हमारा टेम्पररी सेरोटोनिन बूस्ट करता है, जो कि उसके बाद अचानक से डिक्रीज होगा। सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होकर अचानक से डिक्रीज होता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं और डिप्रेशन भी आता है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, डिप्रेशन में भी जो लोग होते हैं उन लोगों को भी एडवाइस किया जाता है कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, क्योंकि अचानक से आपको अच्छा फील कराता है। अभी आप दुखी होंगे, कभी भी नोटिस कीजिए, चॉकलेट खाएंगे आपको एकदम से बहुत अच्छा महसूस होगा, बट कुछ देर बाद उतना ही आपको लो या उतना ही आपको बुरा फील होने लगता है, उतना ही आपको लो फील होगा, आपका फिर मन करेगा चलो और खा लेते हैं, ये आपको बहुत नुकसान देता है। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है तामसिक भोजन। ये सारा बासी भोजन, पुराना, स्मेल वाला, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, जो अशुद्ध है, उसके अलावा मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, जिसमें भी स्मेल आती है, ये सारी चीजें तामसिक भोजन में आती है। ये उत्तेजना बढ़ाता है, तनाव बढ़ाता है, अशांति पैदा करता है, क्रोध को बढ़ाता है, शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है, ये भी गीता में मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें अब हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ खाना, वो भी बासी में आता है, वो भी तामसिक हो जाता है। तो जब भी आपको खाना खाना है, ताजा बनाए, ताजा खाएं। ऐसा नहीं है, कई लोग होते हैं जैसे, हाँ, लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, उनको लगता है सुबह एक बार खाना बना दिया है, दिन भर वही खाते रहेंगे, गर्म करके खा लिया, वो चीज हमें नहीं करनी है, वो खाना भी हमें नुकसान देता है। उसके अलावा झूठा खाना या संक्रमित खाना हमें नहीं खाना है, जैसे किसी और ने अपना झूठा छोड़ दिया, उसका हमने खा लिया, ये भी बीमारियां भी पैदा करता है और आपको नुकसान देता है, इसमें नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं संस्कारित आहार पे। ठीक है, तो अन्न के 3 शरीर होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, जो हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है खाने का। ठीक है, उसमें से जो भी सूक्ष्म उसका शरीर होता है, जो प्रोटीन होता है, जो हमें विकास कराता है, जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी ऊर्जा है, ये सारा हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करता है। जितनी भी हमारी बॉडी के सेल्स रिपेयर होने हैं, कोई भी दिक्कत अगर हुई है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, उनको स्ट्रेंथन करेगा, उनको रिपेयर करेगा। उसके अलावा कारण जो कि मन बनता है। ठीक है, अब गीता अध्याय में बोला गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो सात्विक, अधर्म की कमाई का ना हो, अपनी ईमानदारी से, श्रम से बनाया गया हो। ठीक है, और भोजन को हमेशा ईश्वर का प्रसाद समझकर कर खाएं। ऐसे नहीं कि बस खाना है, अरे खाया और चलो, आराम से बैठे, फुर्सत से बैठे, ये सोच के खाएं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है, और तब उसको खाएं। पवित्र भावना से बनाया गया हो खाना, पवित्र भावना से परोसे और उसको खाएं। अगर निंदनीय आचरण, किसी का भी बैड बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है,
वो अगर खाने के संपर्क में आता है तो भी बच्चे और माँ दोनों का ही मन प्रभावित होता है। तो इसका ध्यान रखें, जैसे अगर खाना बना रहे हैं तो अपने आप बनाएं या परिवार का कोई सदस्य बनाए। कई लोग होते हैं जैसे आप कुक लगा लेते हैं कि नहीं भाई हम नहीं बनाएंगे, कुक बना देगा, तो वो जिस एनर्जी के साथ बना रहा है, जिस थॉट्स के साथ बना रहा है, वो खाने को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए ध्यान रखें जो आप खाना खा रहे हैं वो आपका कोई करीबी, आप खुद या आपका परिवार का कोई मेंबर बनाए और अच्छी भावना के साथ बनाए, ठीक है। और अगर माँ पहले से तनाव में है तो पहले थोड़ी देर शांत बैठे, 3 बार गायत्री मंत्र बोल सकते हैं आप, या जो भी आप जिस भी मंत्र में विश्वास करते हैं, जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना करके शांत होके खाना को ऊर्जावान बनाएं, उसके बाद उसको खाएं। कभी भी गुस्से में, जल्दबाजी में, दुखी होके खाना नहीं खाना है, ठीक है। इसका एक प्रूफ मसारो इमोटो जी थे, जापान के साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूफ ऑफ प्रेयर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने 2 ग्लासें पानी लिया, 1 ग्लास को हमने प्रेयर्स दी, हमने अच्छे थॉट्स दिए, पॉजिटिव एनर्जी दी, 2 ग्लास पे हमने सारी नेगेटिव एनर्जी, गुस्सा, उल्टा सीधा बोलना, रूड बिहेवियर रखना, वो चीज़ें करी। उसके बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर उस पानी के क्रिस्टल्स देखे, तो जिस पानी को बुरा बोला गया था या जिसको कुछ नहीं बोला गया था, उसके क्रिस्टल्स अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस पानी को हमने पॉजिटिव एनर्जी दी थी, प्रेयर दिया था, या जिससे हमने अच्छे से बातें करी थी, उसके बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स डेवलप हुए थे, जो कि आप यहाँ साइड में फोटो में देख सकते हैं कि आफ्टर प्रेयर कितने सुंदर क्रिस्टल्स क्रिएट हुए। तो ये प्रूफ था कि हमारी एनर्जी, हमारी भावनाएं, हमारे वर्ड्स भी अफेक्ट करते हैं जो हम खाना, जो हम पानी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, जब भी हम खाना खाएं तो अच्छी भावना से ही बनाया गया हो, अच्छी भावना से ही खाएं। इसके अलावा आप बलि वैष्णोदेवी यज्ञ करके भोजन कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे गायत्री मंत्र या अगर कोई और मंत्र में आप विश्वास रखते हैं तो वो मंत्र बोल के आप करें। इसमें आप ये तांबे का पात्र बाजार में अवेलेबल होता है ये, अदरवाइज कोई भी आप कटोरी वगैरह ले सकते हैं जिसको आप गैस पे रख के या अपना चूल्हा या जो भी आपके पास है उस पे रख के इस पे हवन करके इसमें 5 अपनी सामग्री की 5 आहुति दे के खाने को फिर प्रसाद समझ के ग्रहण करें। नेक्स्ट हम आते हैं, डाइट के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ हम खाने पे फोकस करें और कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन बेड रेस्ट पे हैं या आराम कर रहे हैं या सुस्ती में हैं, तो वो भी हमें नुकसान देती है। तो इसीलिए खाने के साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज और हमारी बॉडी मूवमेंट्स पे भी संतुलन बनाना है। इसके लिए दिन में कम से कम हमें 30 मिनट, आधा घंटा दिन में वॉक, एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, कोई भी चीज़ अवश्य करनी चाहिए। उसके अलावा ध्यान रखना है, तेल हमें 5 चम्मच से ज़्यादा, छोटी चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है दिन में, नमक कम मात्रा में लेना है, ठीक है। उसके अलावा फैट और चीनी कम मात्रा में लेनी है। फैट जैसे आपको पहले ही बताया, 5 छोटी चम्मच से ज़्यादा नहीं। उसके अलावा चीनी का हमने जैसे ऑल्टरनेटिव पहले आपको बताया कि देसी खांड लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे चीनी होती है, जो हमारी फैक्ट्री में प्रोसेस्ड होती है, फिल्टर्ड होती है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसको हम बोन थिन भी बोलते हैं, हमारे कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन में बाधा डालती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक होती हैं। तो इसीलिए हमें चीनी जितना हो सके अवॉइड करना है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखें कि दिन में कम से कम 2600 कैलोरी हमें ग्रहण करनी है, ताकि हमारी बॉडी को उपयुक्त एनर्जी मिल सके। उसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमें वजन पे ध्यान रखना है। एक नॉर्मल आम, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक माँ का वजन बढ़ता है। अगर इससे कम या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है। अगर 8 किलो से कम बढ़ता है तो इसका मतलब या तो माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, या प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, जिसकी वजह से बच्चे को कुपोषण हो रहा है और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और अगर 12 किलो से अधिक होता है तो डायबिटीज का खतरा होता है। जो बच्चे के चारों ओर हमने बात करी, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है और कई सारी बीमारियां डेवलप होती हैं। उसके बाद जैसे कि हमने बोला कि दिन में 30 मिनट कम से कम टहलना या प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना है। अगर डॉक्टर ने किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते आपको बेड रेस्ट बताया है, तो आप सूक्ष्म व्यायाम लेटे लेटे, बैठे बैठे आप कर सकते हैं, उसमें आपको हैवी एक्सरसाइज या ज्यादा वॉक नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं हम साप्ताहिक आहार तालिका। ये जो आपको छोटी वाली किताब बड़ी संस्कारवान पीढ़ी, इसमें ये आपको दी गई है पूरी तरह। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें एक तो ध्यान रखना है कि
हमें नियमित अंतराल पे खाना है, ऐसा नहीं कि एक हमने खाना खाया, दिन का हमने मिस कर दिया, फिर शाम में खाया। प्रॉपर इंटरवल्स पे हमें प्रॉपर टाइम के बाद खाना जरूर लेना है। दूसरा ध्यान रखना है मौसम के अकॉर्डिंग अपने डाइट पे ध्यान दें। खाना संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, जो कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार ये जो तालिका हमने दी है, ये जो डाइट प्लान है, इसमें अपना आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो चीज़ें पसंद है, जो नहीं पसंद है, या जो चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। उस डाइट के अलावा ये दो चीज़ें हमें ऐड करनी है। एक तो नाश्ते से पहले प्रतिदिन सुबह 5 बजे आप या तो सत्तू ले सकते हैं 2 चम्मच, या फिर उसके अलावा आप बादाम ले सकते हैं। 5 बादाम ले लिए, 2 अखरोट 2 छुहारे, ये आपके नौजिया में भी हेल्प करता है और आपको एनर्जी भी देता है। उसके अलावा हमें रात में ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद, जब हमारा शाम का खाना हो गया है, उसके बाद रात में आप डेली 8 बजे के आसपास 1 पाव दूध ले सकते हैं, जिसमें हल्दी भर चुटकी भर हल्दी डालें और शहद डालें। ध्यान रखिए चीनी यूज़ नहीं करनी है हमें, शहद या देसी खांड हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हम एक तो हमने जैसे पहले बात करी, आटे की पौष्टिकता हम बढ़ा सकते हैं मिक्स्ड आटा बना के, जिसमें गेहूँ चना सोयाबीन हम मिला के बनाएंगे। उसके अलावा हम सत्तू ले सकते हैं, जो कि जौ चना सोयाबीन तीनों को भूनकर हम पीस लेते हैं, ये आपको मॉर्निंग सिकनेस में भी हेल्प करता है और मॉर्निंग में एनर्जी देता है। उसके अलावा अंकुरित बना सकते हैं, जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं। उसके अलावा दाल हम ले सकते हैं, जो कि हम साबुत लें, छिलके वाली लें, पॉलिश्ड वाली धूली वाली नहीं लेनी है। उसके अलावा पानी हमें खूब पीना है। अब जैसे इस डाइट प्लान में आपको दिया गया है, सुबह नाश्ता हमें 8 बजे करना है, दोपहर में भोजन 11 से 12 कर सकते हैं, फिर दोपहर में नाश्ता करना है 3 बजे, और शाम का खाना हो जाए 6 बजे। उसके बाद का जैसे मेंशन किया गया था, इसे एक स्लाइड पहले जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 8 बजे डेली आप 1 पाव दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें जैसे मेंशन किया गया, हर दिन का अलग अलग लिखा हुआ है, दही लिखा है, कोई भी फल लिखा है, चाहे आप केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, ठीक है, रोटी सब्जी दलिया लिखा है, ऐसी हर एक सेक्शन में आपका अलग अलग चीजें प्रोवाइड की गई हैं। ये आपको एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चीजें आपको पसंद है वो आप मॉडिफाई करके इसको पूरा तैयार करके हफ्ते का बना के अपनी रसोई में लगा लें अपनी रुचि अनुसार। उसके बाद इसको फॉलो करें तो उससे एक तो आप इस चीज से छूट जाएंगे जो डेली हमें सोचना पड़ता है, अरे आज क्या बनाएं, आज क्या खाना है, ये चीज अभी घर में है नहीं तो ये चलो ये चीज छोड़ देते हैं फिर कभी खा लेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे डाइट पे बहुत असर पड़ता है, हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम ध्यान रखें, हम पहले से अगर ये बना के रखेंगे तो हमारा डाइट प्लान अच्छे से फॉलो होगा, हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो खाना जिस रूप में भगवान ने बनाया है, जैसे हमें नेचर में मिल रहा है, जितना हो सके हम वैसे ही उसी रूप में ले, जितना हो सके उसमें मिनिमम मॉडिफिकेशन करें। ज्यादा पकाना काटना छोकना उबालना, जितना आप ज्यादा उसमें प्रोसेस करेंगे उतनी ही उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ताजा खाना है, ज्यादा तला भुना नहीं खाना है। खाना हमेशा ध्यान रखें उबाला हुआ खाएं, ज्यादा छोकना नहीं है तलना नहीं है, धीमी आंच पे भाप में पकाएं, ढक करके पकाएं। जैसे अगर दाल बनानी है 30 मिनट उसको पहले भिगो दें, जिससे वो जल्दी पक जाती है, फिर आपको ज्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। फिर ज्यादा देर अगर पकाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी उतनी ही कम होती है। तो 30 मिनट दाल को भिगो दें, फिर उसको कुकर में ढक करके पकाएं, ठीक है। उससे पहले ध्यान रखना है, रात में जैसे हमने खाना आपको बताया 6 बजे खाना है, वो हमने इसलिए बताया, नॉर्मली हमारा सोने का टाइम 9 से 10 के आसपास रहता है, हमें हमेशा सूरज डूबने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना है, लेट खाना नहीं खाना है, आजकल बहुत चलन चल रहा है रात को 10-10 बजे खाना खाएंगे, 12-1 बजे तक टीवी देखते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है, वो हमारे पूरे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है, हमारी बॉडी की पूरी जो साइकिल रहती है उसको डिस्टर्ब करती है और बहुत अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, शाम का भोजन करके थोड़ी देर ठहले, ज्यादा नहीं थोड़ी देर। उसके अलावा भोजन करते समय प्रसन्न भाव से खाएं, मन खुश होना चाहिए। अगर तनाव में है पहले थोड़ी देर शांत बैठें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आप कोई और प्रार्थना करना चाहे वो कर सकते हैं, मन हमेशा शांत हो खाना खाने से पहले। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी चला करके खाना खाते हैं, न्यूज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है, उससे हमारा सारा ध्यान खाने में नहीं बल्कि उस चीज में होता है, और जो कि मोस्टली तनावपूर्ण चीजें ही होती हैं जो हम टीवी पे देखते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, खाना खाते समय आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हैं, कोई भजन चला सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला सकते हैं, जिससे आपका मन खुश रहे लेकिन आपका ध्यान ना भटके।
खाने को धीरे धीरे खूब चबा करके खाना है, जल्दबाजी में नहीं खाना है। अगर आप दो रोटी खा रहे हैं तो उसको 20 से 25 मिनट लगा के आराम से चबा चबा करके खाएं। ऐसे नहीं कि 5 मिनट में निपटा दिए और फिर कुछ और काम करने लग गए। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि खाने को पिए और पानी को खाएं। पानी को आराम आराम से पीना है, एक एक घूंट लेके पीना है, और खाने को इतना चबा करके खाना है कि मुंह में ऐसा हो जाए कि आपको निगलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको चाय कॉफी अवॉइड करनी है, जितना हो सके कम लें। इससे हमारा नौशिया बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है, सर भारी होता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, कॉफी हमारा यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। ये सब हमारा रिस्क बढ़ाता है मिसकैरेज का, या फिर बेबी का वेट कम होता है जिसकी वजह से ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई होती है। ठीक है, और अगर माँ प्रॉपर नींद नहीं लेगी तो भी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, और आप जितना चाय कॉफी लेंगे उतना आपका नींद का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जितना हो सके चाय कॉफी हमें अवॉइड करना है। उसके अलावा हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, एक तो फ्रिज में रखी चीज़ें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप फ्रिज में रख रहे हैं वो अपने आप ही 3-4 घंटे से पुरानी हो गई है, मतलब बासी हो गई है, और जो बासी चीज़ है वो आपको नहीं खानी है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, चिकन, मटन, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, ये सारी नुकसान वाली चीज़ें हैं। चाय कॉफ़ी जैसे आपको पहले ही बताया, पैकेज्ड फूड, मैदे से बनी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। तेल मसाले वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बाहर का ब्रेड, पिज्ज़ा, समोसा, ये सब चीज़ें नहीं खानी, ये सब आपको नुकसान देंगे। इसके अलावा बैंगन और कच्चा पपीता आप अवॉइड करें, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, उसके बाद हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि हमें वेजिटेरियन डाइट पे फोकस करना है, हमें मांस अवॉइड करना है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है, वरना लोगों को होता है कि अरे बस ऐसे ही मना कर रहे हैं। इसके पीछे भी रीज़न है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें नॉनवेज डाइट अवॉइड करनी है। एक तो जब जानवर को लेके जाते हैं मारने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो डर के भाव से है। जब भी हमारे शरीर में डर पैदा होता है तो एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, वो रिलीज होता है, जो कि हमारी हार्ट बीट बढ़ाता है, हमारा बीपी बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। यही चीज है जो हमारी बॉडी में डर का भाव पैदा करता है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है एड्रेनलिन हार्मोन। तो जब वो पशु मारा गया है तो उस टाइम पे उसके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ऑलरेडी रिलीज था, तो ये चीज उसके मसल्स में ऑलरेडी एब्जॉर्ब है। तो जब हम वो खाते हैं, हम वो एड्रेनलिन हार्मोन इनटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में भी सेम इफेक्ट करेगा जो उसकी बॉडी में कर रहा था। हमारे अंदर भी वही डर, वही घबराहट, वही चीजें पैदा होंगी, हमारी भी हार्ट बीट तेज होगी, हमारे हमारे ब्लड प्रेशर पे वो फर्क डालेगा, हमारे मेंटल इमोशनल एनर्जी पे वो फर्क डालेगा। तो हमारे अंदर भी वही डर और पीड़ा का भाव पैदा होता है, जो कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह है। उसके अलावा जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर हैं, उनकी शरीर की रचना इंसान के शरीर की रचना से बहुत अलग है। उनके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्ट्रांग होता है, वो मांस को पचाने के लिए इतना स्ट्रांग होता है कि उनका डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। बट जो इंसान, जो हम ह्यूमंस के पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो उसे 20 टाइम्स कम स्ट्रांग है या कमजोर है। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी मांस को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो नॉनवेज खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनका जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो एसिडिक होती है, जबकि जो ह्यूमंस का, जो हमारा सलाइवा है, वो एल्कलाइन है। जो एसिड सलाइवा है उसमें कोई टाइलिन एंजाइम नहीं होता है, जबकि ह्यूमंस है, हमारा एल्कलाइन सलाइवा है, हमारे टाइलिन एंजाइम अवेलेबल है, जो कि वेजिटेरियन डाइट के लिए है, ना कि नॉन वेज डाइट के लिए। उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो इंटेस्टाइन होता है, वो छोटा होता है, तो उन्होंने जब भी इनटेक किया है वो जल्दी ही उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाता है, वो सड़ता नहीं है। बट जो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, वो बहुत लंबी है एज कम्पेयर टू एक नॉन वेज खाने वाले जानवर के। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें खाना ज़्यादा देर तक रहता है। तो अगर हम नॉन वेज ले रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा सलाइवा एल्कलाइन है, तो वो खाना अनडाइजेस्टेड मांस हमारी अतरियों में पड़ा रहता है, वो सड़ता है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हमें जितना हो सके हमें नॉन वेज डाइट अवॉइड करना है।
एक स्टडी की गई थी ट्रांजिशन टू वेजिटेरियनिज्म, जो कि डॉक्टर वैलेंटाइन ने करी थी। उन्होंने भी कहा था कि सात्विक सुपाच्य और पोषक तत्वों से युक्त शाकाहारी आहार शारीरिक ही नहीं मानसिक स्थिरता एवं स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, केवल फिजिकल ही नहीं इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे कई सारी चीजें हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। धूम्रपान बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि सिर्फ एक्टिव ही नहीं पैसिव स्मोकिंग से भी हमें बचना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल माँ सिगरेट से दूर रहे। अगर आसपास आपके एनवायरनमेंट में, आपके पड़ोस में, आपके बराबर में कोई आदमी बैठा भी अगर स्मोक कर रहा है, आपके घर परिवार में कोई कर रहा है, तो वो भी बच्चे को उतना ही नुकसान पहुंचाता है। तो केवल आपको ही नहीं, आपके पूरी परिवार को, आपको अपने आसपास हर जगह से धूम्रपान से बच के रहना है। धूम्रपान से स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी बढ़ती है, यानी कि बांझपन आता है, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी, प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी, या होगी तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि बच्चा टिका नहीं बच्चेदानी में, ये सब दिक्कत आती है। उसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमने बात करी, प्रथम तिमाही में हमारा मेंटल ग्रोथ पे फोकस होता है बच्चे का, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड यानी कि प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। उसके अलावा मिसकैरेज हो सकता है, कई बार होता है मृत बच्चे का जन्म होता है, बच्चा पहले से मर चुका था, या समय से पहले प्री मेच्योर लेबर हो जाएगा, बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, या IUGR एक कंडीशन होती है मेडिकल साइंस में, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कि बच्चा प्लेसेंटा में ही प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसके अंग प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, तो जब वो पैदा होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि हम जानते हैं फर्टिलाइज्ड एग हमारे यूट्रस में आके डिपॉजिट होता है और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन जैसे सिगरेट वगैरह जो लोग लेते हैं या जिनके एनवायरनमेंट में है, इस वजह से कई बार होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में ना आके फेलोपियन ट्यूब में ही या कहीं और ही डिपॉजिट हो जाता है और वो प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर पाती है। कई बार अगर वो पहले डिटेक्ट ना हो तो माँ की जान को भी खतरा होता है। इसके अलावा बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप जैसी दिक्कत आती है, जैसे आप साइड में या फोटो में देख सकते हैं, जो लिप वाला एरिया है, जो नोज वाला एरिया है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है, एक तो ये दिक्कत आती है। उसके अलावा बच्चे की आई साइड, बच्चे की हियरिंग प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, सुनने या देखने की शक्ति में कोई ना कोई विकार आ जाता है। उसके अलावा कंजनाइटल डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन में कोई दिक्कत होगा या हार्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, या बच्चे में ADHD की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा सोच समझ उसकी वीक होती है, समझ नहीं पाता है क्या बातें हो रही हैं, तो ये बच्चा ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि धूम्रपान से जितना हो सके हमें बचना है। उसके अलावा प्लेसेंटा एब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया, ये दो दिक्कतें होती हैं जो धूम्रपान से जिसके रिस्क बढ़ जाते हैं। एक तो बच्चेदानी का अलग हो जाना, प्लेसेंटा से जो हमारा यूट्रस है उसका सेपरेट हो जाना, जिसकी वजह से बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें प्लेसेंटा जो है हमारा वो नीचे सर्विक्स के तरफ अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से भी बहुत रिस्की प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी के टाइम पे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं शराब, हमें अल्कोहल से बच के रहना है। अब इसके लिए क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, बच्चे का वजन कम होगा, ग्रोथ पूरी नहीं होगी, प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी, जिसकी वजह से उसका सर्वाइव करना मुश्किल होता है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें भी वही सब है, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका बोन्स प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। इसमें कंडीशन होती है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जो कि अक्सर देखी जाती है अगर माँ ने गर्भावस्था में अल्कोहल या शराब का सेवन किया है तो। इसमें चेहरे और मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हो पाता है, आंखें छोटी होती हैं, मुंह छोटा सा होता है, होंठ पतले पतले होते हैं, बच्चे में सोचने समझने सीखने की शक्ति नहीं होती है, याद नहीं कर पाता है, ADHD यानी कि बहुत ज़्यादा अति सक्रियता, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं होती है, बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, समझ नहीं होती है, और हर टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, चलता रहेगा, शोर मचाता रहेगा, बट समझ कुछ नहीं पाता। अगर आप उसको समझाएं कि बेटा शांत हो जाओ, वो नहीं समझ पाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं अगर आप शराब लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए हमें इससे बचना है। तो ये हम फाइनल इस पे आते हैं, इसका हमारा कंक्लूजन है कि हमें खाने में हर प्रकार की चीज उचित मात्रा में लेनी है, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो पाए मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, माँ का भी, बच्चे का भी।
दोनों का ही स्वास्थ्य ठीक रहे, और इवन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी माँ प्रॉपर स्तनपान उसको करा पाए, लैक्टेशन प्रॉपर हो, दूध में पोषक तत्व प्रॉपर हो, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट आगे भी ठीक हो और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब हमारे मेन फूड ग्रुप्स क्या हैं, जैसे कि हमने बात करी अनाज, जैसे चोकर युक्त आटा हमने बोला, या मिक्स आटा ले सकते हैं, दाल बीन्स लें, अंकुरित लें, ठीक है, फल सब्जियां लें, हर टाइप की, जो भी आपकी सीजनल हैं, जो भी फ्रेश हैं वो चीज़ें लें, हरी पत्तेदार सब्जी लें, बीन्स लें, मटर लें, ठीक है। उसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ लेने हैं, टोफू, सोया मिल्क, जिसकी हमने आपको रेसिपी भी बताई कैसे बनाना है, वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हर्ब्स, जो कि मसाले हमने मोस्टली अवॉइड करने को बोले हैं, मसाले हमें नहीं लेने हैं। हर्ब्स यानी कि हम ले सकते हैं धनिया, ले सकते हैं पुदीना, कड़ी पत्ता, ये हम नॉर्मली खाने में डालते हैं, ये बहुत हमारे लिए हेल्दी होता है, ये चीज़ हम ज़रूर लें। उसके अलावा मसाले हमें कम लेने हैं, लेकिन जो चीज़ें हम ले सकते हैं वो है अजवाइन, उसके अलावा हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची। इसमें अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है, नौजिया को कम करेगी, उल्टी जैसे जो हमें लगता है जी मिचलाना, उस सबको कम करता है, हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। हल्दी ले सकते हैं दूध में मिला के, ये हमारे जोड़ों के दर्द को आराम करेगी, कहीं पे भी अगर बॉडी पेन होता है, जो कि माँ को अक्सर होता है, या पैरों में सूजन आती है, उसमें आराम देता है, ठीक है। उसके अलावा दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, ये सब हमारे लिए फायदेमंद है, ये भी हम कुछ मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा बीज, जैसे कि हमने बात करी कद्दू के बीज, सूखा मेवा, सनफ्लावर सीड्स, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। उसके अलावा घी, तेल, मक्खन हमें लेना है, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया, ज़्यादा मात्रा में नहीं, दिन में 5 छोटी चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा पानी हमें पर्याप्त मात्रा में लेना है, जैसे हमने बात करी 10 से 12 ग्लास कम से कम, और सुबह में 3 ग्लास अवश्य लेना है, जो कि हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।